जस्ट रीट द प्रीवियस कंसेप्ट आइज प्लीज. हमने लास्ट टाइम ये कहा था मेंटल मॉड्यूलेशन का एक टाइप है, उसका नाम है FM. सो जस्ट रीट द कंसेप्ट प्लीज अंडरस्टैंड. सो वी हैड अ कैरियर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर विच वॉज बी मॉड्यूलेटेड बाय द मैसेज सिग्नल, जहां पे मैसेज का एनवलप पॉजिटिव होता था. इफ दिस वॉज FC तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा हो जाती थी. सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती थी उसको हम कहते थे एफ मैक्स, एंड एफ मैक्स इज ग्रेटर देन FC फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम. इज दैट ओके राइट? अब जो नेगेटिव साइकिल के लिए फ्रीक्वेंसी आती थी दैट यूज टू बी से इफ दिस इज FC अगेन, इसको हम कहते थे एफ मिन, एंड एफ मिन इज लेस देन FC. आप मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है? Why is F min less than FC? This is not our today's topic, but just to brush up on what the topic is. Topic is frequency modulation. On that we did certain numericals also. So our heading here, single tone FM. Single tone का मतलब क्या होता है? जरा आप बताइए. Single tone modulation का मतलब क्या होता है? जोर से थोड़ा जी, इसकी गलत. अब बताइए, अब बताइए क्यों? इसका इसका मैसेज सिग्नल का, इसका मैसेज सिग्नल का. व्हेन देयर इज अ मैसेज सिग्नल दैट ओनली वन फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट फॉर सिंगल टोन. व्हेन देयर आर मल्टीपल टोन्स इन मैसेज सिग्नल दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीटोन. क्या होता है मल्टीटोन? हां equal to AM cos of 2 pi FM T. Therefore, I will go to the signal itself. S of FM of T will be given by, remember previously we had modulation in the amplitude, but this time the amplitude will be as it is, but the modulation will be in the phase part. You get my point? Okay. So it is 2 pi FCT plus two pi KF integration of AM cos of 2 pi FCT. देखिए कुल मिला के FM के केस में मैंने आपसे ये कहा एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन फेज में चेंज आएगी. किस वजह से? एम ऑफ टी की वजह. बिकॉज ये कुछ नहीं है बट दिस इज एम ऑफ टी, दिस इज योर एम ऑफ टी पार्ट, जेड इज योर टी. तो इसका मतलब फेज वैरी हो रहा है प्रोपोर्शनली विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. That is why it is called as phase modulation.
एंड आइडियली फेज मोड में भी जब हम फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मैसेज सिंगुलराइजेशन इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड. ठीक है, एनीवे लेट्स मूव अहेड. कैन यू जस्ट इंटीग्रेट दिस प्लीज. ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेट करें तो 2 पाई एफ सी यहां आएगा. कॉस को बनेगा साइन, साइन 2 पाई एफ सी टी. ओके सॉरी दिस इज नॉट एफ सी, दिस इज एफ एम. This is FM. This also is FM. Because the secret integration of AP, though, this comes here and the sine wala part will remain over here. Integration is Tagan. James Tagan is a pile of integration. I think he asked. That's right. Okay. इस एम का क्या किया? एक भी नहीं बोल रहे हो, आज तो सो रहे हो. आज एम सुनो, एम इज अ कांस्टेंट फॉर दिस बिकॉज़ इट हैज नथिंग टू डू विद टी. इंटीग्रेशन बस इस पार्ट की होगी, कॉस की आगे साइन. एंड अब क्यों बना इंटरनल इंटरनल डिफरेंशिएशंस के डिवाइड में आएंगे, नॉट इंटीग्रेशन. यस एम आई राइट? इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड में यहां आती है जिसमें इंटीग्रेशन नहीं है. सो यहां पर लिखिए दो के एफ ए एम बाई एफ एम इज इक्वल टू बीटा. ओके एंड बीटा इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफ एम. इज दैट क्लियर? KF AM by FM is beta. Or else we can write this as KF AM is nothing but delta F. KF into AM. Remember, KF into AM का सब बराबर है सर. What is delta F? Change KF into AM. So maximum frequency deviation. Delta F is the frequency deviation. Twice delta f would mean the frequency swing. This is frequency deviation. Kf into am is delta f. So delta f by fm is again equal to beta. So these are two important expressions that you will remember and are important also. So we say delta f by fm is equal to beta. And beta is the modulation index. Now, the AM mein modulation index kaun sa value tha? Mu. Yeah, okay. Modulation index kya hota hai? Expression, right? Is there any connection?
No, this is okay. Now, listen to me. Most important point of today's class is, based upon this value of beta, there are two types of frequency modulations. Based upon the value of beta, there are two types. ध्यान रखो इधर क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है नंबर 7 ध्यान रखो इधर सो हमने आज पढ़ा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन ये है इसके अंदर एक वेरिएबल है बीटा बेस्ड अपॉन आप सुनो ध्यान से सुनो बेस्ड अपॉन दिस वेरिएबल बीटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वन इज When beta is less than 1, less than or equal to you can take. Another is when beta is greater than 1. Okay? So when beta is less than 1, this is called as narrow band FM. When beta is greater than 1, This is called as wide band FM. Is that okay? Very important concept of today's class. You are lucky enough that you arrived at the right time. Leave one page. So therefore, you can treat these two as good as two different modulation schemes. उसी तरह जिस तरह हमने AM में देखे थे ना different variants of AM. Can you name different variants of AM? Can you name different variants of AM? I didn't ask you. I asked her. When I point someone categorically. Loud and clear. Listen to the question actually. I didn't say what are the different cases of AM. I said what are the different modulation schemes related to AM. आप कहाँ आप क्लास में नहीं होते आप क्लास में नहीं होते क्या Anyone who is in class should know this. मुझे क्यों आज सबको आईना दिखाना पड़ रहा है आप बताइए मैम What are the different schemes, modulation schemes related to AM? Shabash? AM ke different flavors humne padhe. Kaun kaun sa hai? AM, BSBSC, SSBSC. Ye aapke dil ke andar nahi hai. Sab ke dil ke andar. Then why are you not retrieving it in the right way? Check it out, there is some issue. Okay. So, उसी तरह यहाँ FM के different flavors हैं. FM का एक type है narrow band FM, wide band FM, and these are the two modulation schemes we have. It should have been answered anyway. So, wide band FM and narrow band FM are two different schemes. Okay, normalize. Now let's start from this point, okay? उसी तरह जिस तरह AM, BS, BSC, SSBSC है. So let's first see the expression for narrow band FM. So आप देखेंगे heading, heading के narrow band FM. Heading है, time हुआ क्या? We have 20 minutes, right? 10? 40? Right. That's like an engineer. So expression for narrow band FM is
बट विच वन एफ एम नैरो बैंड एफ एम इज एसी कॉस ऑफ लेकिन यहां पे नोट डाउन करना है कि बीटा जो है लेस देन 1 सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस इज एसी कॉस ऑफ यहां पे लिखिया यूजिंग कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए cos b minus sin a sin b formula hai na ye so then using this formula this can eyes on board I feel a lot of burdening I don't want that is expression mein hum ye wali formula use karne ke baad ye expression nikalenge which is ac cos of 2 pi fct into cos of बीटा क्योंकि इसके लिए ए ये है और बी ये है बी ये वाला सारा पार्ट है बीटा साइन ऑफ 2 पाई एफ एम डी माइनस साइन ऑफ ए सी साइन ऑफ 2 पाई एफ सी डी इंटू साइन ऑफ बीटा साइन 2 पाई एफ एम डी डू यू फॉलो दिस एक्सप्रेशन प्लीज नोट इट डाउन वेरी क्विकली अब यहां पे लिखिए नोट फॉर एन बी एफ एम beta is less than equal to 1 which we can say which is very small that is very small and we know that for theta very small and theta is very small cos theta will be equal to 1 and sin theta will be approximately equal to theta ye kab hai jab theta kya hai वेरी स्मॉल स्मॉल लिखिए बस सो देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन नाउ सिंस बीटा इज लेस देन 1 देयरफॉर बीटा इंटू साइन 2 पाई एफ एम डी is also small theek hai so eyes on board please eyes on board samajh nahi aaya eyes on board kya hota hai I said when theta is small
cos of theta is equal to 1. In the above expression, beta sine of theta is small because of this reason. So cos of this is actually equal to 1. So I will just rewrite. Just isomorphize AC cos of 2 pi FCT into 1. Is that okay? Do you follow this? I is on board. I said cos of theta is equal to 1. Therefore, yahan pe cos theta bahut chota hai. Ye cos theta ho jayega 1. Minus AC sin of 2 pi FC aise hi rahega. Sin of theta is equal to theta. Sin of theta is equal to theta when theta is small. So, iske badle kya aayega? Minus, pehle ye wala part as it is, AC sin of 2 pi FC T into? Haan, into? Set up. Once again, multiply. Come out, stand in the center. Khasapar, stand there, sit there. Peeche jao. Aap zara khade ho jao beta. Batao yahan pe kya aayega multiply. Aap khade ho jao, aap. Stand up quickly. Haan, idhar jao. Kya aayega yahan? Haan? Theta ka value kya hai? Haan? Main is expression ki baat kar raha hu. It is AC sin of 2 by FCT. Multiply kya aayega? आपने आधा आंसर सही बोला लेकिन पूरा बताओ. सिट डाउन. उससे पूछो क्या है आंसर. खड़े हो जाओ. जोर से बोलो क्या. थीटा क्या है. नो. सिट डाउन. आप बताओ. Exactly right. That's the right answer. Sit down. Beta, क्योंकि इसका theta है ना यही sine of theta. Theta तो ये है ना ये आपको answer बोला था. आप आधा सही बोल रहे थे. शाबाश. Sit down you also. Beta sine of 2 pi FMT. ठीक है. So twice sine a sine b equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. Using formula twice sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. Confused nahi hona ye क्या है cos a. हाँ cos a. Therefore we have s of narrowband FM of P is equal to AC cos 2 pi FCT. Minus AC beta by 2 cos of 2 pi FC minus FM of P plus AC beta by 2 cos of 2 pi FC plus FM of P. Okay. क्या ये सही में expand किया? Yes or no? क्या ये सही में expand किया? This is the right expansion. देखो यहाँ से मैंने
जो एक्सप्रेशन निकाला वो था ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी एंड दिस इज साइन ए साइन बी, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं है, सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं है, वो यहाँ डिवाइड बाय आ जाएगा, सो दैट इज अगेन द सेम थिंग. सो मैंने ये फॉर्मूला को यूज किया, साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो दैट इज व्हाट आई डिड, साइन ए साइन बी, बीटा बाहर आ जाएगा, सो ए सी बीटा बाय 2 यहाँ आया, cos of a minus b, cos of fc minus fc, so over here, अब जो minus sign बाहर है, इस वजह से इधर positive बने minus आए, so minus आएगा, दूसरा part आता minus cos of a plus b, cos of a plus b, लेकिन क्योंकि negative sign बाहर है, तो ये minus क्या बनेगा? Plus. समझ आया? Is that clear? Why it is not clear to you? I don't get it. What did you then switch it on the first bit? आप एक चीज नोटिस करेंगे, मेरे एम का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही दिख रहा था, मेरे एम के एक्सप्रेशन में अगर एस ऑफ ए एम was equal to one carrier part plus upper side band plus lower side band, and here my upper side band is this, my lower side band is this, and my carrier part is this as it is. So can I say that the expression for eyes on board, can I say that the expression for AM and narrow band FM is exactly same? No, I cannot say that. I have to add one more line. The expression for narrow band FM and AM is same, except there is a shift at lower side band. Ek minus sign hai na? So you write this line. The general expression for narrow band FM and FM are same. The expression for the general expression for narrow band FM and AM is same, except for a 180 degree phase shift at, except for a 180 degree phase shift, the general expression for narrow band FM and AM is same, except for 180 degree phase shift at कौन सा साइड बैंड, लोअर की अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड कंपोनेंट. ओके, अच्छा एक और कंक्लूजन हम फिर यहीं से ड्रॉ कर लेंगे. जब जनरल एक्सप्रेशन सेम है, हमने ये देखा कि जनरल एक्सप्रेशन से ही हम अपना स्पेक्ट्रम बना देते हैं, तो हम दूसरी लाइन ये भी लिख लेंगे, द स्पेक्ट्रम फॉर बोथ ऑफ दीज इज सेम एक्सेप्ट फॉर 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑल्सो. द स्पेक्ट्रम फॉर NBFM लिखो ना, द स्पेक्ट्रम फॉर नैरो बैंड FM एंड AM इज सेम एक्सेप्ट फॉर हैश इक्वल्स टू 180. एंड इसका स्पेक्ट्रम आप खुद बनाएंगे अपने दिमाग से. चलिए मैं एक चीज बता देता हूं, स्पेक्ट्रम के लिए बस एक चीज आएगा, ये आपका कैरियर था, ये आपका अपर साइड बैंड है. अपर आइज ऑन बोर्ड प्लीज, ये वाला स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम आप खुद बनाएंगे, ठीक है? दिस इज एन असाइनमेंट टू यू, लेकिन फिर भी बता देता हूं, एएम के लिए कैरियर कंपोनेंट अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड यहां से आता है ना, इसके बराबर, लेकिन स्पेक्ट्रम भी सेम होगा, एक्सेप्ट लोअर साइड बैंड में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, बस ये है इसका स्पेक्ट्रम. किसका? नैरो बैंड एफएम का स्पेक्ट्रम ये. अब यही साइड चीज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से बनानी है. इसके अच्छा वैल्यू इतना है, पीक वैल्यू क्या आएगा, इसका पीक वैल्यू इतना क्या आएगा. आई वॉन्ट, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1 आफ्टर द चेकिंग ऑफ दिस. सो दिस इज योर असाइनमेंट, नोट ऑन दिस प्लीज. असाइनमेंट है आपको नैरो बैंड एफएम का स्पेक्ट्रम बनाना है विद प्रॉपर वैल्यूज, ठीक है?
अच्छा ये भी स्पेक्ट्रम भी हाँ टाइम क्या है जस्ट वन टू पॉइंट्स सो स्पेक्ट्रम हो गया नेक्स्ट सेटिंग किया पावर ऑफ NBFM पावर ऑफ नैरो बैंड FM समझने वाली कोई बात है ही नहीं देखो हम जनरल एक्सप्रेशन से निकालते हैं स्पेक्ट्रम आइज ऑन बोर्ड प्लीज हम जनरल एक्सप्रेशन से निकालते हैं स्पेक्ट्रम और हम स्पेक्ट्रल कंपोनेंट से क्या निकालते हैं पावर या जनरल एक्सप्रेशन से भी पावर निकाल सकते हैं इसका मतलब अगर स्पेक्ट्रम सेम है जनरल एक्सप्रेशन सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम और पावर में एज सच कोई शिफ्ट विफ्ट का कंसेप्ट मत लगता वहां पे मत हम कोई वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं पावर में जो हमने पावर कैलकुलेट किया तो पावर इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ एम नेक्स्ट टाइम की पावर का जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम निकली जो एम का आपने लिखा तो नैरो बैंड एफएम के लिए एक्सप्रेशन फॉर पावर पीटी फॉर नैरो बैंड एफएम इज पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ यूएसबी प्लस पी ऑफ एलएसबी वी नो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर बाय समझ 2R एंड This component that is P upper side band will be equal to AC beta by 2 whole square divided by 2R that turns out to be AC square beta square divided by 8R am I right and obviously this is the value of PLSB also. So PUSB is equal to PLSB is equal to this value. Note it down please. अब difference बस एक रहेगी new के बदले आएगा beta. बाकी सारा same. So when you substitute this over here, AC square by 2R plus AC square beta square by 8R plus AC square beta square by 8R the end result is AC square 2R plus ये और ये सेम है तो ये बनेगा ट्वाइस टू और एट कैंसिल आउट होके बनेंगे फोर सो ए सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 4R एंड में आफ्टर कैलकुलेशन एंड ऑल दैट विल बी ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर बाय 2R इनटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज सेम एज दैट ऑफ एम So the general expression for power for both FM and FM, sorry, narrowband FM and AM is same. Is that okay? Last point in case. No. The bandwidth and power. As you can see The bandwidth and power of NBFM. What is NBFM? आप बताइए. What is NBFM? शाबाश. This is improvement. क्या लोग फुल फॉर्म में दिए थे वेरी नाइस दैट्स द राइट आंसर अ सॉलिड कंप्लीट आंसर व्हाई डू यू गिव इनकंप्लीट मेरा क्या खर्चा जाएगा अगर मैं एन बी ए बस नैरो बैंड बेटर दैट यू कंप्लीट अनलेस यू नॉट थिंक एनी एज हार्डली
bandwidth and the power of NBFM. क्योंकि देखो bandwidth था, sorry एक heading तो भूल गया मुझे, bandwidth, bandwidth निकालना आएगा, एक छोटी सी heading, क्योंकि देखो जब spectrum same है, bandwidth भी same ही होगी ना, so just write bandwidth को तो FM, बोलिए तो जरा, bandwidth of NBFM is equal to twice FM. So the bandwidth and power of narrowband FM will be same as AM, comma, because of its much similarities with AM, ये important point है. Because of its much similarities with AM, so the bandwidth and power of narrowband FM will be same as AM, comma, because of its much similarities with AM, narrowband FM is given less preference. या हम कह सकते हैं least practical significance compared to wide band FM. ठीक है, therefore narrow band FM क्या हम कम ही use करेंगे compared to wide band. इसलिए हम narrow band FM की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इसका आइडिया काफी था. So we will next class we will start with wide band FM. Very important topic. I'll repeat. नहीं कहा है ना तब क्या है. Okay, with that we stop our head.